बीसी का या अस्सी का काफी गया हाँ। आखिर में वो छोटा भाई हमारा ऊपर है ना वो मानते हैं बाकी क्या नाम है आपका? नरेश चंद गुप्ता। कहाँ रहते हैं आप? बिशंडा। अच्छा, ये नीरज कौन है आपका? हमारा बेटा है। ये क्या समस्या आई थी ये यूक्रेन में जो फंसा हुआ है? अब जो भी समस्या हो, लेकिन इस समय वहाँ युद्ध के हाल, जब युद्ध होने लगा तो सब लोग, हम लोग बहुत परेशान हैं। और हम बच्चे से बात तो कल हुई, लेकिन वो भी बहुत परेशान है। वो लोग चाहते हैं कि हमको यहाँ से जल्द निकाला जाए। पहले उनकी टिकट थी, लेकिन वो टिकट सब कैंसिल हो गई। अब वो सब लोग, जितने बच्चे हैं वहाँ, सब सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि हमको जल्द से जल्द यहाँ से निकाला जाए, क्योंकि वहाँ खाने पीने और सब समस्याएं आ रही हैं। तो वो भी परेशान और यहाँ हम लोग भी परेशान। हमारे इष्ट मित्र रिश्तेदार सभी हमारी चिंता करते हुए हम लोगों से, सब लोग परेशान हैं। अच्छा, क्या आपका लड़का जो नीरज था वो वहाँ के कहे की पढ़ाई करता था क्या? वह चौथा वर्ष है, MBBS की पढ़ाई करने गया था। तो अभी तक क्या जानकारी हुई है बीच में, अभी बात हुई है आपसे? नहीं, अभी तक जो जानकारी हो रही थी वो ये था कि ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ऑनलाइन क्लासेस चल रहे थे, तो जो वहाँ का यूनिवर्सिटी प्रशासन है वो कह रहा था सब ठीक हो जाएगा, आप लोग यहीं रहिए। और अब अचानक कल से ज़्यादा समस्या हो गई है, तो सब लोग परेशान हैं। अभी इधर दो तीन दिन पहले बीच में आना भी था टिकटों का? हाँ, टिकट दो तीन दिन पहले ही हो गया था, लेकिन वो टिकट सब कैंसिल कर दिए गए हैं, क्योंकि उड़ानें सब बंद हो गई और वहाँ का एयर जो है वो सब नष्ट कर दिया गया है जीप का। तो अब अच्छा, शासन और सरकार से क्या मांग करते हैं? हमारी सरकार से मांग है। सुनीता गुप्ता। अच्छा, ये आपका बच्चा नीरज था जो बाहर पढ़ाई करता था यूक्रेन में, फंसा हुआ है, क्या है पूरा मामला? वहाँ पे झगड़ा उगड़ा हुआ है और इसी वजह से वहाँ से फंसा हुआ है। और तीन चार दिन से झगड़ा हो रहा है, इसी में फंसे हुए हैं। बच्चे खाने पीने में परेशान हैं, सब लोग परेशान हैं, हम लोग भी परेशान हैं। कहीं की पढ़ाई करते थे? MBBS की पढ़ाई करते थे, 4 साल हो गए। अभी बीच में आना था, फ्लाइट भी हुई थी तो इस कैंसिल हो गई, इसीलिए नहीं आ पाए। और उसमें मई में छुट्टी होती है, जून में आना था। तो अभी बीच में तीन चार दिन पहले आना था, उनको टिकट भी हो गई थी, तो क्या युद्ध चालू हो गए इसीलिए? हाँ, इसीलिए आना था, तो इसीलिए युद्ध तो खत्म हो गया, तो फ्लाइट कैंसिल हो गई है। अच्छा, तो क्या अभी बीच में आपसे बात हुई है उनसे? डेली होती है बात उनसे, शाम को होती है। क्या बोलते हैं वो? और अच्छी तरह से बोलते हैं कि सही है, पर परेशान तो बच्चे रहते हैं ये। हाँ, सभी लोग। अच्छा, क्या किया जाए? अच्छा, क्या चाहते हैं आप, क्या सरकार से मांग करते हैं? सरकार से यही चाहते हैं कि बच्चों को वापस लें, अच्छी तरह अपने घर आ जाएं। हाँ, और हमें कोई और नहीं चाहिए। रही है। तो अच्छा, आप तीन चार दिन से आपको जानकारी थी? हाँ, परेशानी। तो यहाँ कैसा माहौल है घर में? घर में माहौल क्या है, खाने पीने की दिक्कत है, परेशान है सब बच्चे परिवार के। आ जाए अपने घर आ जाए, बस हो गया।